हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज एकेडमी में। तो आज आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शेयर करने वाला हूँ, और वो चीज़ क्या है कि जो JKSSB ने अभी सुपरवाइज़र की जो पोस्ट निकाली है, वैकेंसीज़ निकाली हैं, उसके लिए हम अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं। और इसके बात करें PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे कहीं कोचिंग के लिए या कहीं और कहीं ट्यूशन्स वगैरह के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। जब तक आपका पेपर होगा, आपका सिलेबस भी जो है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में बता दूँ जो हमने शुरू करना है, और हमारा मिशन है आप सब लोगों को ये दिमाग में रखना है, अब मंजिल को हासिल करना है, ठीक है। ये थीम रहेगी हमारे इस कोर्स की। सिलेबस तो अभी तक आप सब ने देख लिया होगा, तो सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बस आपके साथ जो इसका स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स हैं, पहले हम वही जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि GK जो है और बाकी जो कंपोनेंट है वो इजी हैं। तो बात करें आपके जो स्पेशलाइजेशन में आ रहा है, ये यूनिट 1 जो इन्होंने कवर किया है उसमें आपका ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। सोसाइटी आ गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ गया, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, सोशल चेंज, ये सब आ गया। उसके बाद यूनिट 2, अभी तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ये सिलेबस देख लिया होगा, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यूनिट 2 उसके बाद आपका यूनिट 3 आ गया, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, राइट। उसके बाद आपका यूनिट 4 आ गया, ये इसमें सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका यूनिट 5 है, देन योर यूनिट 6। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके स्पेशलाइजेशन से आ रहे हैं, और कोई ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है। अगर आप प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द प्लान चलोगे तो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका ऑब्वियस है मार्च अप्रैल के बाद ही होगा, तो तब तक आपके पास बहुत टाइम है ये सिलेबस कवर करने के लिए। तो अब मैं आपको बता दूँ कि हम जो अभी शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसका जो इसका पार्ट है कौन सा हम शुरू करेंगे, हम यूनिट 4 से शुरू करेंगे। तो हम जो है फर्स्ट ये जो टॉपिक्स है ये कवर करेंगे सारे, और जैसे ही हमारा टॉपिक कवर होगा आपको उसका पूरा का पूरा PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसलिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा कोर्स चल रहा है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो ले सकें, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर शुरू होंगे, यहाँ से शुरू होंगे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक है, ये हम ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि जो हम जिस तरह से हम इसमें चलेंगे, ठीक है। और बाकी भी जो सिलेबस है इसमें, जैसे GK पोर्शन हो गया, ठीक है, ये भी मैं आपके साथ एक बार फिर से आपके साथ जो है ये डिस्कस करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाऊँगा। उसके बाद आपको MCQ सॉल्व करने हैं, MCQs हमारे पास हैं, तो ऑलरेडी मटेरियल ये प्रिपेयर है, तो आपको कहीं से भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल वो वाला मटेरियल भी आप अगर सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए दैट इज़ मोर देन सफिशेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मीन्स कि उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो अदरवाइज़ जो पहले JKSSB के पेपर होते थे, अब वैसा पेपर नहीं है, सीधा आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन देंगे, अब उस तरह का नहीं है। अब जो JKSSB का जो पैटर्न है वो बिल्कुल जैसे KS का प्रीलिम्स हुआ करता है, तो सेम उसी की तरह से अब आप मान के चलेंगे 50% वैसा पैटर्न जो है JKSSB भी फॉलो कर रही है, जो कि ठीक है, क्योंकि चेंज होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। सो बस मेरा वही आपके एक बार फिर से कहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि सब बच्चों के पास ये चीज़ जो है पहुंच जाए। और आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो बस अभी जल्दी ही आने वाला है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर।